एक गाड़ी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है, ये भी दिल्ली नंबर, जिसके अंदर नीचे आज हमने फॉग लाइट लगाई। चलो इस गाड़ी को मैं दोबारा भी दिखा दूंगा, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर डोर वाइजर लगाए, विंडो क्रोम लगाया, साइड की बिडिंग लगाई, साइड स्टेप्स हमने इसके ऊपर लगाए, ऑडी ब्लैक्स का सिस्टम लगाने हैं जिसमें फ्रंट और रिवर डीवीआर वाला मॉडल है। नीचे की फ्लोरिंग हमने कर दी इसके ऊपर, सिस्टम जो लग रहा है वो अभी ऑडी ब्लैक्स का लग रहा है। यहाँ पर इसकी वायरिंग कनेक्टर हो रहे हैं, टॉप मॉडल का स्टेयरिंग इस पर यूज़ हो रहा है। सीट्स पूरी खुली हुई हैं, ये साइड स्टेप का डब्बा, ये भाई यहाँ पर कैमरे की वायरिंग कर रहे हैं। सो पूरी जो फिटमेंट होगी वो अपनी बेस्ट तरीके से की जाएगी। हर एक बार बोलता हूँ आपको, जो मेरी लोकेशन है ये शेड के नीचे आपकी, जिस तरीके से भाई गाड़ी आती है उसी तरीके से प्रॉपर पूरी सेफ रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये गाड़ी आपकी शेड के नीचे खड़ी है। ये कस्टमर की एडवांटेज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी टेम्परेरी नंबर है, यही अगर रोड साइड में गाड़ी खड़ी होती तो भाई कस्टमर मुझे नहीं लगता कि शायद अपनी गाड़ी का काम कराता। देख रहे हो भाई हाल गाड़ी का, डैशबोर्ड पूरा निकाल दिया इसका, ये भी भाई अपना एक्सपीरियंस है तो इसको गाड़ी को खोला गया। सो ये सारे काम जो हैं ये सारे स्टाफ के हैं, और किस तरीके से उनको मैनेज करना है, किस तरीके से वो काम करना है, तो उसके लिए भी एक सीख मिलनी चाहिए, सीख होनी चाहिए काम कैसे करना है, क्या हमने उसके ऊपर करना है। भाई पूरी गाड़ी हमारी ये रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर आज हमने यहाँ पर अगर आप फ्रंट पर देखेंगे तो फॉगलाइट लगाई, फॉगलाइट के ऊपर हमने फॉगलाइट का क्रोम लगाया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रंट की ग्रिल गार्निश लगाई जिसकी लुक्स प्रॉपर इन्हांस हो रही है, और जो क्रोम ये वाले पार्ट्स होते हैं इसके साथ ये प्रॉपर पूरा मर्ज हो जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने फ्रंट और रियर का डीवीआर किट लगाया, जिसके अंदर ये फ्रंट में कैमरा यूज़ करा हमने ऑडी ब्लैक्स ब्रांड का। फ्रंट और रियर कैमरा जो हमने लगाया वो सेम ऑडी ब्लैक्स किट के साथ आता है, और इसमें रिकॉर्डिंग फीचर होता है, रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर आप उसको कर सकते हैं, इसमें आपको डैश कैम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाड़ी तो हमारे पास आई है, ये दिल्ली नंबर है और उत्तम नगर से भैया हमारे पास आ रखे हैं। यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल में इतना ही काम आज हमने किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने व्हील आर्ट्स इसके ऊपर लगाया हुआ है, व्हील आर्ट्स की जो फिट फिनिश है वो बिल्कुल 00 परफेक्ट तरीके से लगाई जाती है, डबल साइड टेप से प्रॉपर लगता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फेंडर गार्निश हमने लगा दी इसके ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डोर वाइजर लगाए, डोर वाइजर जो है ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माउंटेन का साइन इसकी पहचान के ये जेन्युइन है। ये फ्रंट में यहाँ पर हाइकर की रूफ रेल हमने इंस्टॉलेशन करी, और फ्रंट की जो रूफ रेल है ये भी डबल साइड टेप से प्रॉपर लगती है, बिल्कुल 00 इसकी फिटिंग होती है। सेंटर से अगर कोई इसको हिलाना चाहे तो प्रॉपर पूरा हिला सकता है, यहाँ से अगर आप खींचेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, डबल टेप इसके ऊपर लगी होती है। सो बिल्कुल 00 में भी ऐसा नहीं कि ये कोई निकलने के कोई चांसेस हो इसके, बिल्कुल बेस्ट तरीके से प्रॉपर पूरा लगता है। ये सिल्वर और ब्लैक के अंदर जैसे ओरिजिनल आती है उसी तरीके से इसको लगाया जाता है। ये वाले जो पार्ट्स हैं ये भी डबल साइड टेप से लगते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंडो की क्रोम गार्निश, ये भी मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट, ये प्रॉपर आगे से लेकर पीछे तक 6 पीस का सेट आता है। सो अगर रूफ रेल की बात बोले तो 4,500 रुपये की रूफ रेल है हाइकर ब्रांड की, 2,350 रुपये का रेट रेंज में ये आता है, जिसके अंदर 15% डिस्काउंट आता है, सारा ऑफिशियल प्रोडक्ट है विद बिल है। 2190 रुपये का ये वाला पार्ट है, सेम 15% का डिस्काउंट, व्हील आर्ट 2,350 रुपये, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता क्योंकि पेस्टिंग वाले पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर लगानी पड़ती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइड सेप हमने लगाया, साइड सेप भी जो फिट फिनिश करा वो भी बिल्कुल जेन्युइन, और इसका जो प्राइस है 12,500 रुपये के रेंज में लगता है। ये पीछे का जो रनिंग बोर्ड है प्रॉपर इसको खोलना पड़ता है, और जो पुराना रनिंग बोर्ड है उसको निकाल के इसको नया तरीके से लगाना पड़ता है। ये जितने भी इसके अंदर पार्ट्स लगते हैं वो सुजुकी के जेन्युइन बॉक्स पे पूरा पैक आता है, और इसकी जो ये फिट फिनिश है ये जेन्युइन है। आपका ये फेंडर लाइनिंग जो व्हील आर्ट्स है इसका व्हील आर्ट्स बाहर होगा, ये वाला पार्ट इसके अंदर होगा, क्योंकि जो ये नॉर्म्स के हिसाब से इसको बनाया गया है और एयर है, ये अप्रूव प्रोडक्ट है, ये नॉर्म्स के हिसाब से बना हुआ है। रोड साइड में अगर आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तो आपको ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इधर लाओ एक बारी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ी आगे लेकर आओ फोन, ये जो व्हील आर्ट्स है ये व्हील आर्ट्स के अंदर दिख रहा है आपको, मतलब बाहर से आपको दिखेगा नहीं ये, अदरवाइज यही अगर कोई पार्ट अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते तो पूरा चटाक एकदम बाहर यहाँ तक दिखता है, ये पूरा इतना यहाँ तक पूरा बाहर आ जाता है, और नीचे से जो लोहे के ब्रैकेट होते हैं सारे उसके विजिबल होते हैं। सो इसके अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं जो प्रॉपर पूरा विजिबल हो। नीचे जो फॉग लाइट लगाई वो मिंडा की लगाई, 900 रुपये की एक फॉग लाइट, 900 रुपये की दूसरी फॉग लाइट, 900 रुपये की वायरिंग, 2,250 रुपये की रेंज में फ्रंट रियर का कैमरा लगाया, 585 रुपये का ये लगाया, 585 रुपये का ये लगाया, इस हिसाब से प्रॉपर हमारी गाड़ी फ्रंट से प्रॉपर पूरी रेडी हो गई। पार्किंग ऑन करने के बाद ये नीचे बटन लगा हुआ है इसके,
ऊपर की लाइट येलो है, नीचे की भी लाइट अभी इसके अंदर येलो है क्योंकि कस्टमर की डिमांड नहीं थी अभी, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा येलो में अगर रखेंगे तो थोड़ा सा धूप के लिए वो ठीक रहती है। तो फ्रंट में ऊपर नीचे नॉर्मल लाइट है, ये दोनों येलो है, ये पार्किंग लाइट भी इसकी येलो है। तो इस तरीके से इसका फ्रंट रेडी हो गया। साइड प्रोफाइल प्रॉपर पूरी रेडी हो गई। फेंडर का जिस लगाई 250 रुपए की, ये भी जो है सुजुकी का जेन्युइन पार्ट है, ऑलमोस्ट जितने पार्ट इसमें लगाए भाई वो सारे जेन्युइन है। कोई यहाँ पर 70%, 80%, 90% के लालच के हिसाब से कुछ नहीं बुलाया जाता कस्टमर को। अगर आपको 250 रुपए का ये फेंडर गार्निश लेने तो भी हम आपको 250 रुपए में रेट में देंगे, कोई बेस और टॉप वाली कहानी नहीं है। ये वाले पार्ट केवल जितना भी मारुति एक्सेसरीज पार्ट है सबके ऊपर 15% का डिस्काउंट है, व्हीलर्स और साइड सब को छोड़ के। बैक प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो बैक प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर हमने इसके ऊपर मिड गार्निश लगाई। मिड गार्निश जो है ये भी जो है ब्रिजा का जेन्युइन पार्ट है। डिक्की खोलूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल स्लॉट के ऊपर हमने यहाँ पर कैमरा लगा दिया जिसकी फिट फिनिश बिल्कुल 00, कोई बैक वाला सिस्टम नहीं है, कहीं से कोई टूट फूट नहीं होगा। HD कैमरा है प्रॉपर 1080 प्रॉपर पूरा पिक्सल चलता है इसका, मतलब इतनी क्लैरिटी है इसी के आपको बिल्कुल विजिबिलिटी की कोई इशू रहेगा नहीं। यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो ये बूट लाइट हमने इसके ऊपर लगा रखा है। बूट लाइट की जो फिटिंग है भाई ने करी नहीं, वो मैं अभी कर देता हूँ। ये फ्रंट काम है, हेलो, ये बूट लाइट कस्टमर ने लगानी हमने लगानी है। तो यहाँ पर इसके अंदर बूट लाइट लगा दी। यहाँ पर जो इसका कनेक्शन है ये बिल्कुल जेन्युइन आता है, जैसे इसके कपलर चलो खुली हुई तो भाई इसको भी दिखा देता हूँ। ये जो वायरिंग कनेक्टर है ये बिल्कुल जेन्युइन है और जो नेक्सा की हर गाड़ी में आता है ग्रैंड विटारा में कंपनी फिटेड, उसी तरीके का ये पार्ट है जिसको ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से लगाया जाता है। तो उसकी भी फिटिंग हम प्रॉपर अभी कर देते हैं। इसको लगा दो भाई खुला हुआ छोड़ने पर। अंदर की अगर बात बोलेंगे तो भाई अंदर बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं था, इस गाड़ी के अंदर जो काम था हमने वो फ्लोरिंग करी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आमरेस हमने इसके ऊपर लगाया, सिस्टम लगाया ऑडिप्लेक्स का, फ्रेम हमने रखा प्लेन, माइक की फिटमेंट यहाँ कर दी, स्टेयरिंग जो हमने लगाया वो टॉप मॉडल का लगाया। 5050 रुपये का स्टेयरिंग है, 1080 रुपये का क्लॉक स्प्रिंग है इसका, 750 रुपये का वायरिंग कनेक्टर और नीचे की 5 जो तारें लगती हैं वो वायरिंग हार्नेस है। 6 पिन का सॉकेट निकला था, इसी के हिसाब से 6 पिन का सॉकेट हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दिया जिसकी प्लग एंड प्ले तरीके से मैंने आपको वायरिंग भी प्रॉपर पूरी दिखाई वीडियोस के अंदर। सो जो क्लॉक स्प्रिंग है भाई इसके अंदर एक पार्ट लगा होता है उसको निकाल के इसके अंदर लगाना पड़ता है, तब इसके अंदर कैलिबर सेंसर इसका वर्क करता है। आमरेस लगाया 3000 रुपये की रेंज में, स्टोरेज बॉक्स इसके अंदर कंपनी से लगा हुआ आता है, कंपनी फिटेड है मतलब ये। पीछे USB का सॉकेट हमने नहीं लगाया। नीचे जो हमने फ्लोरिंग करी 2600 रुपये की फ्लोरिंग है, 750 रुपये फिटिंग के पैसे लिए। सो भाई जितने पार्ट्स आपको दिखाए ये सब जेन्युइन है। सिस्टम लगाया 22500 रुपये की रेंज में, इसको भी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ एक बारी। इसका जो क्लियर इमेज है वो बहुत शार्प और बहुत अच्छा इमेज है इसका। ऑलरेडी सर के पास एक सिस्टम था एम्पलीफायर वगैरह सब इसके अंदर से, तो इसके अंदर फ्रंट के स्पीकर अभी नहीं लगाए हुए, सिस्टम हमने लगा दिया। फ्रंट और रियर कैमरा हमने प्रॉपर इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दिया। सिस्टम जो लगाया सेम ऑडिप्लेक्स ब्रांड का लगाया, ऑडिप्लेक्स जो है ये हमारे यहीं टोयोटा के अंदर अप्रूव्ड प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेड इन जर्मनी कंपनी है ये। ये प्रॉपर इनके जो बटन हैं ये प्रॉपर पूरे वर्किंग है, ब्लूटूथ भैया का वर्किंग था। और एक बारी आपको इसके फ्रंट और रियर की इमेज दिखा देता हूँ, जैसे गाड़ी को बैक करूँगा बैक की पूरी फोटो आएगी, इसको रिवर्स करेंगे तो हट जाएगा। जैसे गाड़ी को मैं रिवर्स करूँगा, रिवर्स करते समय बैक की इमेज आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे अगर आप डस्ट पार्टिकल्स देखोगे तो ये भी आपको प्रॉपर पूरे विजिबल है, ये छोटी सी एक डॉट है रेड कलर की, डबल टेप लगी है, तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। ये न्यूट्रल करने के बाद आपको फ्रंट की इमेज दिखेगी, ये लाइट आपको दिख रही है इसके अंदर, तो ये फ्रंट की इमेज है। यहाँ पर ऑरा का ब्रांडिंग है, इक्विपमेंट साउंड इक्विपमेंट लिखा है, पौधे पड़े हैं। तो भाई ये 100% बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अंदर अगर आपको डायरेक्ट इसके अंदर फ्रंट रियर कैमरा यूज़ करना है तो बिल्कुल आप इसके अंदर फ्रंट और रियर कैमरा यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रंट की इमेज आ गई, दोबारा टेस्ट करेंगे तो रिवर्स की इमेज आ गई।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा वाइड एंगलर है, फ्रंट का काम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रिकॉर्डिंग का साइन है, ये जो रिकॉर्डिंग का साइन है इसके अंदर ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियोस। अगर आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करते समय डीवीआर यहाँ पे अगर आप लगाते कहीं भी किसी भी लोकेशन में अगर आप डीवीआर लगाते तो भाई इस वाले मॉडल के अंदर आपको डीवीआर लगाने की जरूरत नहीं है। जितना भी हमने सिस्टम इसके अंदर लगाया वो फाइल एक्सप्लोजर में गए। यहाँ पे एसडी कार्ड का एक ऑप्शन है, यहाँ पर इसके अंदर एसडी डीवीआर है, इसमें रियर कैमरा, ये एक वीडियो यहाँ से खोला, वीडियोस में गए, यहाँ ऑलवेज किया इसको, ये गाड़ी की इमेज दूसरी आ रही है, इसको हटा देते हैं, ये भी दूसरी इमेज है, डीवीआर नेट किस में चलेगा भाई, बैकअप पिक्चर्स नोटिफिकेशन मूवीज, इसके अंदर कहाँ चलाएंगे ये भाइयों ने कहाँ सेव करके रख दिया, पता नहीं भाई इसमें वीडियो जो डलती हैं वो जो चलेंगी सारी प्रॉपर पूरी चलेंगी। और अगर अच्छा सॉरी इसमें पेन ड्राइव अभी लगाई नहीं है, पेन ड्राइव अगर लगती तो यहाँ पर ही आपको शो कर दें स्टार्ट कर देती उसके अंदर। सो पेन ड्राइव लगेगी तभी इसके अंदर ये इमेज इसकी प्रॉपर आ जाएगी, और जब भी आप गाड़ी को चला रहे हैं फ्रंट और बैक प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। सो ऑडिप्लेक्स का प्रोडक्ट है, ये भी अपने आप में बहुत बेस्ट चीज़ है। स्टीयरिंग हमने लगाया, स्टीयरिंग पे भी लेदर रैप कंपनी फिटेड आता है, ये यहाँ पर क्रोम लाइनिंग आती है, सेंटर के पार्ट्स आते हैं क्रोम में, सो ये भी इस गाड़ी के लिए बेस्ट पार्ट है। ब्रेजर एलएक्सआई के अंदर आपको ZXI प्लस वाला फील मिल गया, जो जो जेन्युइन चीज थी वो सारी इसके ऊपर इंस्टॉलेशन हो गई। भैया का भी लेस बजट में काम कराना था बट फिर भी इसके अंदर बहुत सारा भैया ने काम करा लिया। बढ़िया, जितना भी काम हुआ सेम कार्बन बॉक्स सेट के नीचे हुआ। लाइव एक्सपीरियंस के लिए भैया ने बताया कि अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपको पूरी इसकी आपको जितने भी जब हम जो बाकी के काम करेंगे तब उसके बाद आपको रिव्यू प्रॉपर देंगे। तो मैं भी हमें टाइम भी बहुत हो गया, 9:15 का टाइमिंग है, तो कस्टमर को भी जल्दी हमें भी घर जाना है। सो नीचे लिखिए मोबाइल नंबर मेरे 9811632352 9999063352, आपको आना है सेम कार लिबास पर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बहुत जल्दी आपको नई वीडियोज़ के अंदर मिलेंगे, नए पैकेजेस के साथ मिलेंगे। और बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने लाइक करना है, शेयर जरूर करना है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे काम का नहीं पता चलेगा। तो मिलेंगे नई वीडियोज़ में, थैंक यू।